चलिए, क्लास 12 फिजिक्स, यूनिट का नाम है हमारा इलेक्ट्रो स्टैटिक्स और चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। थोड़ी सी यहाँ पे हम जानकारी बता दें, नाम से पता चल रहा है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी कि क्लास 12 का जिसमें हमारा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 होती है, तो वॉल्यूम 1 फिजिक्स आपका टोटली यही चार्ज पे टिका हुआ है, समझ पा रहे हैं। फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा क्या आएगा, मॉडर्न फिजिक्स जुड़ जाएगी, और मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग कुछ कंडक्टर सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो फिजिक्स है आपका वॉल्यूम 1 टोटली इलेक्ट्रिक चार्ज पे टिका हुआ है, समझ में आ गया। अब यहां नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है आपका, एक प्रकार का फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड में क्या लगता है, फोर्स लगता है, समझ में आ गया। ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग है, समझ पा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपने न्यूटन भाई साहब ने बताया था ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कि दो बॉडी के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन चार्ज का भी क्या बनेगा, एक फील्ड बनेगा, और उस एक निश्चित दायरा पे क्या करेगा, वो फोर्स को लगाएगा। निश्चित दायरा का मतलब समझ में आता है कि उसका एक निश्चित क्या होगा, एरिया होगा, उसी एरिया में केवल वो चार्ज, मतलब चार्ज का फोर्स काम करेगा, समझ पा रही है। तो इसी में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि चार्ज की कंडीशन कहां पे क्या क्या होती है, तब वहां पे क्या क्या घटनाएं घटती है, समझ पा रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं, समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज है फील्ड को। स्टार्ट करने से पहले हम लोग बारीकी से थोड़ा समझ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, किसको समझेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने यहां पे तीन भाग में बांट दिया, पहला भाग है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है आपका मैग्नेटिज्म, और तीसरा भाग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तीनों आपका चार्ज से रिलेटेड है, तीनों किससे रिलेटेड है, चार्ज से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब हम चार्ज रेस्ट कंडीशन में हो, किस कंडीशन में हो, रेस्ट कंडीशन में हो, तो उस चार्ज से बना गया फील्ड, उस चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। किस केस में, जब चार्ज हमारा रेस्ट में हो, क्लियर। यानी कि फिजिक्स में एक बात पकड़ में आया कि जहां पर भी चार्ज का क्या हो, रेस्ट हो, तो किसका बात करेगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेगा, समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब हुआ, चार्ज एट रेस्ट, समझ पाई होगी बात, रेस्ट का मतलब समझ में आता है, नहीं आता है समझ में, आता है मतलब वो अपनी जगह से ना हिले डुले, ठीक। तो उसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानेंगे। अब यहां पे और थोड़ी सी बातें समझिए, अगर चार्ज क्या हो जाए, कांस्टेंट स्पीड के साथ में मूव करना शुरू कर दे, चार्ज कांस्टेंट स्पीड के साथ में क्या करना शुरू कर दे, मूव करना शुरू कर दे, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा, बात समझ में आया। एक बार फिर से, चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कांस्टेंट स्पीड के साथ में अगर मूव किया तो मैग्नेटिज्म को शो करेगा, समझ में आ गया। तो लिख दीजिए इसको भी, चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। जब चार्ज हमारा कांस्टेंट स्पीड के साथ में क्या करना शुरू करे, मूव करना शुरू करे, तो वो क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, मैग्नेटिज्म का, वो मैग्नेट जैसा शो करेगा, क्लियर। अब आगे क्या बात आती है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों चीज कंटेन होगा, नाम से पता चल रहा है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय,
जब चार्ज में सम एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन आ जाए, एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आता है कि समय के साथ उसका स्पीड में परिवर्तन, वेलोसिटी में परिवर्तन। तो एक्सेलरेशन हमारा दो तरह का होता है, बढ़े उसको एक्सेलरेशन कहेंगे, अगर एक्सेलरेशन घटे उसको रिटार्डेशन। तो चार्ज में अगर हमारा क्या आ जाए, एक्सेलरेशन आ जाए या रिटार्डेशन आ जाए, तो उसको किसके नाम से जानेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानेंगे। तो लिख देते हैं, चार्ज इज मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। चार्ज इज मूविंग सम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब समझ में आता है ना? यस सर। जो एक्सेलरेशन घटती है उसको क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, और मतलब जो बढ़ती है उसको एक्सेलरेशन। तो चार्ज पार्टिकल्स में उसका वेलोसिटी बढ़ जाए या घट जाए, यहां पे मोटे तौर पे समझे, तो उसमें क्या क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये तीन चीज आपको समझ में आ गया होगा, तीनों चीज कहां से निकला, चार्ज से निकला, लेकिन तीनों की घटनाएं अलग अलग पे घटी। जब चार्ज हमारा क्या हो, रेस्ट में हो, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ में चार्ज मूव कर रहा हो तो मैग्नेटिज्म, अगर उसी चार्ज में कुछ एक्सेलरेशन आ जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब ये बातें आपको पकड़ने में काफी आसानी हो जाएगी कि जहां पर भी रेस्ट है, मतलब हम समझ में आ जाएगा कि हम किसका बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर चार्ज में कांस्टेंट स्पीड है तो किसका बात करेंगे, मैग्नेटिज्म का। अगर वहां पे कुछ एक्सेलरेशन आ जाए चार्ज में, तो किसका बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब ये हुआ कि चार्ज यहाँ पे रेस्ट होने वाली है, ना इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होगा ना कांस्टेंट स्पीड होगी, केवल क्या होगा, ये रेस्ट होगा। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे थोड़ी सी और जानकारी के लिए बता दें कि जो ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आप एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आपका लाइट। देखें, सन से जो लाइट हमारा कहाँ पे आती है, अर्थ पे आते हैं, तो उसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी प्रकार की मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ गया? और हम इसको इनडेप्थ करेंगे कि ऐसा नहीं, सन से बहुत सारी आपका क्या निकलती है, रेस निकलती है, लेकिन कुछ रेस को ट्रांसफर होने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, और वो रेस मीडियम नहीं मिलने के कारण अर्थ पे नहीं पहुंचता, लेकिन जो विदाउट मीडियम चलता है केवल वही रे अर्थ पे पहुंचता है। समझ पा रही है बात को? अगर वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह मूव करता तो हम लोग का पृथ्वी जल जाता, इससे इतना ज्यादा हीट यहाँ पे बढ़ जाता है। लेकिन बीच में क्या, बहुत सारी वैक्यूम पड़ती है ना, बहुत सारी क्या पड़ती है, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब समझ में आता है आप लोगों को, कि वो जगह जहां पे हवा मौजूद ना हो उसको वैक्यूम कहते हैं। क्लियर? अब लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जांपल में आप लिख सकते हैं लाइट। दूसरी चीज आप लिख सकते हैं, ये इसका नाम जाना पहचाना है, एक्सरे, है ना? यस सर। ये सबके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन बाई पार्ट चलेंगे, ठीक। चलिए अब ये तो रही हमारा चार्ज की, अब चार्ज हम कहां से लेके आए, चार्ज की शुरुआत कैसे हुई। तो चार्ज ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, द नेम इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन्स मीनिंग अंबर। समझ में आ गया कि जहां पे हम चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज से हमारा क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड ग्रीक भाषा से बना हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इसका स्पेलिंग को आप ध्यान से देखिएगा के लिखा हुआ है, ठीक। इस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, अंबर होता है। अंबर, अंबर एक प्रकार का क्या होता है, पत्थर होता है। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये पत्थर, ये नहीं अंबर, लेकिन इसी तरह से क्या होता है, स्टोन होता है, पत्थर होता है।
क्लियर। जिसको रबिंग करने पर उसमें क्या क्रिएट हो जाता है, चार्ज क्रिएट होता है पत्थर पे, वो विशेष प्रकार का पत्थर होता है जिसका नाम अंबर बोला गया। अंबर यहां पे क्या है, पत्थर। अब ब्रैकेट्स में वन टाइप ऑफ स्टोन लिख सकते हैं, एक प्रकार का पत्थर। देखे होंगे ना बहुत सारे अंगूठी यहां पे लोगों ने तरह तरह का पत्थर को पहनता है, उसी में से उसी तरह का एक पत्थर होता है अंबर। ठीक। अब यहां पे देखिए क्या हुआ कि अब यहां तो बात आई हमारा चार्ज की, तो इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हमारा बेंजामिन फ्रैंकलिन। समझ में आ गया, चार्ज की कहानी तो उठी, समझ में भी आ गया चार्ज क्या है वो, लेकिन उस चार्ज का बिहेवियर को समझने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यही अंबर जो पत्थर होता है ना, उस पत्थर को क्या किया, इस तरह से रगड़ा, इस तरह से क्या कर दिया गया, रगड़ा। रगड़ने के बाद में जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास में उसको लेके गया, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वो पत्थर जो अंबर पत्थर था वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर खींच रहे हैं। समझ पा रही है, छोटे छोटे पत्थर को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तब वो आदमी सोच में पड़ गया कि आखिर में इसमें क्यों ये पत्थर उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को खींच रहे हैं, क्योंकि उससे पहले तो न्यूटन्स ने बता के रखा था कि दो बॉडी के बीच में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कि नहीं। तो वो क्या बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो दो बॉडी के बीच के मास में डिपेंड करता है, जबकि ये छोटे पार्टिकल्स के नजदीक ले जाने पर उसको अपनी ओर खींच रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो सकता। समझ पा रही है, ये किसने सोच रहा है ऐसा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तब उन्होंने सोचा क्या कि ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ये कोई दूसरा प्रकार का फोर्स है जो एक निश्चित दायरा पे क्या करता है, काम करता है। मेरा बात समझ पा रही है कि जब उसको नजदीक में लाया तभी वो खींचा, थोड़ा सा दूर रखा तो उसको वो नहीं खींच पाया, तो उसको खींचने का क्या बना, एक निश्चित फील्ड बना, एक निश्चित जगह बनी, उस दूरी पे ही उसको क्या कर रहा था, वो अट्रैक्ट कर पा रहा था, दूरी बढ़ाने पर वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। समझ पा रही है बात को। उन्होंने और क्या ऑब्जर्व किया, जब एक बार उस छोटे पार्टिकल्स को क्या कर दी, वो खींच दिया, खींचने के बाद में जब उसको छुड़ा के मतलब अलग करके दोबारा से उसको उसके सामने ले गया तो उसको फिर वो नहीं खींचा, फिर यहां पे और कहानी बदल गई। बात समझ में आ रहा है ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम ने उसको क्या किया, रगड़ा गया इस तरह से अंबर पत्थर को, और छोटे पार्टिकल्स के पास में ले जाया गया, तो वो छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर चिपका दिया। अब जब उसको हम लोग क्या किए, सेपरेट करके दोबारा उसके पास में ले गया तो फिर उसको वो अट्रैक्ट नहीं किया। समझ पाई बात को। तो उन्होंने क्या गौर किया कि इसको ऐसा रगड़ने से इसमें चार्ज आता है। बात समझ में आ गया। और जबकि केवल वो छोटे पार्टिकल्स को ये खींचती है, इसका ये मतलब उन्होंने सोचा कि दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी, तभी तो वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, खींच रहा है। और उन्होंने और आगे इसी एक्सपेरिमेंट को बढ़ाते हुए क्या किया कि उन्होंने एक अंबर पत्थर के जगह में दो अंबर पत्थर को लिया। समझ पा रही है, अब दोनों को इस तरह से क्या किया, रगड़ा, तो दोनों पत्थर में सेम चार्ज उत्पन्न हुआ। समझ पा रही है बात को। जब उन्होंने दोनों पत्थर को सामने रखा इस तरह से, तो वो एक दूसरे को धकेलने लगा, रिपेल करने लगा, क्योंकि दोनों में कैसा चार्ज उत्पन्न हो गया, सेम चार्ज उत्पन्न हो गया, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे, रिपेल करने लगे। अब फ्रैंकलिन ने वहां पे कंफ्यूज में पड़ गए कि वो खींच रहा था, अब यहां पे ये दोनों को क्या कर रहा है, धकेल रहा है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारा इसी कहानी नहीं बनती। समझ में आ गया। तब उन्होंने क्या सोचा कि ये दोनों में हमारा सेम चार्ज होगी, इसीलिए दोनों को रगड़ा था ना, दोनों में सेम चार्ज होगी इसलिए दोनों को धकेल रहा है, और वो पार्टिकल्स में अलग चार्ज थी होगी इसलिए वो उसको अट्रैक्ट कर रहा था। उन्होंने सोचा, और नाम, अब नाम की बारी आई, तो किसको अब क्या नाम दिया जाए, तो जिस जो अट्रैक्ट कर रहा था उसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज रखा, और जो अट्रैक्ट हो रही थी उसको नेगेटिव चार्ज रखा। बात समझ में आया।
और इस उन्होंने इस प्रॉपर्टीज को एक नाम दिया चार्ज का। समझ में आ गया? चार्ज किसका देन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन का। एपिक लाइन यहां पे लिख लेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को नाम दिया, मतलब डिस्कवर किया कि एक प्रकार का क्या होती है, ये प्रॉपर्टीज होती है, गुण होती है, जो एक क्या होता है, फील्ड फोर्स होता है। क्या होता है ये? फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स का मतलब समझ में आता होगा? फील्ड फोर्स का मतलब क्या समझती है कि ये एक कुछ दायरा पे क्या करता है, फोर्स लगाता है। अगर इसको दूर बढ़ा देंगे या घटा देंगे तो ये काम नहीं करने वाला है। बात पकड़ में आ रहा है मेरा? फील्ड फोर्स का मतलब समझ पाती है? जैसे कि यहां पे मान के चलिए आप एक टुकड़ा का चुंबक रखे, ठीक, तो ये चुंबक अपने चारों ओर क्या बना लिया, एक फील्ड बना लिया। यहां तक कोई आयरन पार्टिकल्स को रखिएगा तो ये अपनी ओर खींचेगा, लेकिन यहां रखिएगा तो नहीं खींचेगा। तो जहां तक खींच रहा है वो उसका क्या है, फील्ड है। इसीलिए चार्ज का भी क्या होता है, एक फील्ड फोर्स होता है। कुछ निश्चित दूरी तक क्या करती है, वो काम करती है। क्लियर? चलिए, अब आप लोग ये जानकारी के बाद में ये भी जानते हैं, बेंजामिन ने प्रूव करके भी दिखाया कि अगर आपके पास में क्या चार्ज हो, सेम चार्ज हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो ये दोनों क्या करती है, रिपेल करती है। जबकि अगर अपोजिट चार्ज हो, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो ये क्या करती है, अट्रैक्शन करती है। ये बेंजामिन फ्रैंकल का ही देन है, जो अंबर बटलर्स के एक्सपेरिमेंट के बाद में उन्होंने बताया। क्लियर? हम लोग का इस पूरा यूनिवर्स में जो स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल्स है, सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल्स, जिसको इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। समझ पा रही है बात को? सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन। हो गया? आपको इसका वैल्यू भी पता होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, क्योंकि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, आपका कूलम होता है, जिसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखेंगे ये पॉइंट। बहुत सारी मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स खोज लिया गया, ऐसा जिक्र किया जाता है। समझ पा रहे हैं? स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल्स बहुत सारी फिजिक्स की बुक में लिखा गया, जिसको क्वार्क कहते हैं। क्या कहा जाता है? क्वार्क कहा जाता है। समझ पा रही है? इस क्वार्क का वैल्यू आपका होता है आपका E/2। E/2 का क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन्स का जितना चार्ज है उसका आधा, ये हो सकता है। दूसरी चीज ये भी होता है, 2 इलेक्ट्रॉन / 3, और भी बढ़ा दीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन / 4। इस तरह से इसका चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज से क्या है, छोटा है। लेकिन हमको क्लास 12 में इस क्वार्क को लेके नहीं चलना है, हम स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल्स किसको जानेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ही जानेंगे, ना कि क्वार्क को। समझ पा रही है बात को? सिर्फ जानकारी के लिए था। इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज पार्टिकल्स का नाम क्या है? क्वार्क, जिसका चार्ज क्या होता है, E/2। E/2 का मतलब क्या हुआ, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम / 2, इसका आधा चार्ज, जिसको क्वार्क कहते हैं। लेकिन हमको अभी इसको लेके नहीं चलना है, हम किसको लेके चलेंगे, इसी को लेके चलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लेके चलेंगे। क्वेश्चन में भी अगर पूछा स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल्स, तो क्या लिखेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स ही लिखेंगे।
जिसका वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है। क्लियर? थोड़ी सी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज है तो उसमें क्या है, मास भी होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 केजी, एक इलेक्ट्रॉन का मास वजन इतना किलो होता है। ठीक, मास ऑफ प्रोटॉन 10^7 जिसको पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, इसको E प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखें। इलेक्ट्रॉन को E माइनस से और प्रोटॉन को E प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। हो गया, इसका मास होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27 केजी। क्लियर? अब यहां पे ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स की मास प्रोटॉन की मास की अपेक्षा में बहुत ही क्या है, कम है, है कि नहीं है? है, कितना गुना कम है बताइए, कितना गुना कम है? प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, 1837 गुना ज्यादा वजन है किसकी अपेक्षा में, इलेक्ट्रॉन्स की अपेक्षा में, किसका, प्रोटॉन का। समझ पा रही है बात को, नहीं समझेगी तो बोलना। चलिए समझते हैं। अब जब हम किसी को क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, रगड़ते हैं, ठीक, या किसी बॉडी को चार्ज में डालते हैं, तो वहां से ट्रांसफर कौन होने वाली है? आप थोड़ी सी और बातें सिंपल फॉर्म पे, एक जगह ट्रक खड़ा हुआ है, क्या खड़ा हुआ है, ट्रक, और उसका बगल में साइकिल खड़ा हुआ है, समझ पा रही है, दोनों में इक्वल फोर्स लगाएगी तो जल्दी कौन ढकलाएगा, साइकिल, क्यों, उसका मास कम है, ट्रक क्यों नहीं ढकलाएगा, उसका मास ज्यादा है, तो यहां पे बताइए किसका मास कम, इलेक्ट्रॉन्स का, किसका मास ज्यादा, प्रोटॉन का, कितना गुना, 1837 गुना, जब हम वहां पे बल लगाएंगे तो जल्दी कौन ढकलाएगा इसमें, इलेक्ट्रॉन्स, ना कि प्रोटॉन, इसीलिए चार्ज कैरियर किसको कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है। थोड़ा सा भी वहां पे चार्ज दिए तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू किया, क्यों, क्यों, उसका मास हल्का है, जैसे साइकिल थोड़ा सा बल लगाएगी तो धड़ घुड़ा जाएगा उधर से उधर, लेकिन ट्रक आपका बस नहीं होने वाला वैसा, क्योंकि उसका मास क्या है, ज्यादा है, यही कहानी यहां पे बनती है। देखिए 1837 गुना ज्यादा वजन है इलेक्ट्रॉन्स की अपेक्षा में, तो ये थोड़ा सा भी क्या हुआ, चार्ज हुआ तो ये मूव करना शुरू कर सकता, बात पकड़ में आया, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। और इसको कब ढूंढ लिया गया, इसको कब पता लगाया गया, जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स का थ्योरी बना, क्या बना, इलेक्ट्रॉन्स का थ्योरी बना, तब ये बातें सामने आई कि प्रोटॉन्स हमारा 1837 गुना ज्यादा हेवियर होता है, किसकी कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन्स की कंपेयर में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होता है। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन्स में एक गुण है, उस गुण को क्या कहते हैं हम लोग, चार्ज कहते हैं। समझ पाई? जैसे कि अभी गर्मी का दिन है, टोपी लगाते हैं ना सिर में, टोपी को लगाओ और तुम किधर किधर जाएगी, उधर उधर तुम्हारा टोपी जाएगा कि टोपी पीछे जाएगा, नहीं जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में एक टोपी है जिसको हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। बात पकड़ में आ रहा है मेरा?
इलेक्ट्रॉन जिधर जिधर जाएगा उधर कहां कौन जाएगा, चार्ज जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर्टीज है चार्ज, इलेक्ट्रॉन से आप चार्ज को अलग नहीं कर सकते, कैसे कीजिएगा, इसका गुण है ना, समझ पा रही है। जैसे जैसे आप टोपी यहां पे पहने, आप जिधर जिधर चलेंगे उधर उधर आपका टोपी साथ ही साथ चलेगा, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में टोपी है क्या, चार्ज, जिधर जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर उधर चार्ज मूव करेगा। बात समझ में आया, और वो चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम के बराबर होता है, क्लियर। अब ये चार्ज की बात हमको समझ में आ गया कि चार्ज हमारा क्या होती है, दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसको किसने डिफाइन खोज के निकाला, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्वेश्चन पूछता है, याद रखेंगे, अंडरलाइन भी कर दीजिए उसको, गलती नहीं लिखना है, ठीक। और ये चार्ज को खोजने के लिए किसका सहारा लिया गया, अंबर। अंबर क्या है, स्टोन, एक प्रकार का पत्थर है, क्लियर। अब ये चार्ज को हमको पता लगाना है, चार्ज तो हमको दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा, चार्ज हमारे पास में दो तरह की आ गई, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो अब कैसे पहचाने हम कि ये चार्ज हमारा पॉजिटिव है कि ये चार्ज हमारा नेगेटिव है, इस चार्ज को पहचानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम है हमारा गोल्ड लीप इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीप इलेक्ट्रोस्कोप। इससे चार्ज को पहचाना जाता है कि कौन आपका प्लस है और कौन आपका माइनस है, समझ में आ गया। तो चलिए समझते हैं, गोल्ड लीप इलेक्ट्रोस्कोप, हो गया। इसमें क्या किया गया, गोल्ड का मतलब समझ में आता है सबको, सोना, लिप यानी कि वो उसको इतना पतला पीट पीट के इतना पतला कर दिया गया, मक्खी का पंख देखी उतना पतला, गोल्ड को पीट पीट के चादर बनाया गया, कितना पतला, मक्खी के पंख जैसा, यानी कि वहां पे जैसे जनरली हवा चलेगा ना तो ये हवा का झोंका भी उसमें पड़ता तो वो कांपने लगता, कौन, गोल्ड का लीप इतना पतला उसको पीट पीट के कर दिया गया, समझ में आया। देखिए ये आपका गोल्ड का लीप है, बहुत पतला, हवा भी अगर इसमें पड़े तो क्या होने लगे, ये कांपने लगता, तो उससे बचाने के लिए इसको एक कंटेनर में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया ताकि बाहर का हवा उसको उसमें ना पड़े, क्योंकि वो कांप रहा था ना, अगर कांपता तो हम कैसे पता कर पाते कि वो चार्ज से कांप रहा है कि हवा का झोंका से कांप रहा है, इसलिए बाहर का हवा का झोंका ना पड़े इसलिए इसको हम क्या कर दिए, एक कंटेनर पे बंद कर दिया गया इस तरह से। इस कंटेनर पे बंद कर दिया गया, अब इसमें हवा अंदर नहीं जाएगी, इसमें एक मेटल से क्या कर दिया गया, इसको जोड़ दिया गया, ठीक। अब क्या हुआ, एक रड लिया गया, समझ पा रही है, एक क्या लिया गया, रड, रड को इस तरह से रबिंग कर दिया गया, घसड़ गया, घसड़ा गया, तो जैसे ही हम घसड़े तो इसमें क्या जनरेट हुआ, चार्ज जनरेट हुआ, समझ पा रही है बात को। अब ये रड को क्या करें, हम ले जाके इसमें टच करा दिए, जैसे ही टच कराए तो इसमें क्या था हमारा, चार्ज था, ये चार्ज इससे होके इस गोल्ड फॉइल पे ट्रांसफर हो गई,
होगा क्योंकि चार्ज का गुण ही तो है कि एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करना। समझ पा रही है बात को? रड को हम रबिंग करके क्या कर दिए, इस तरह से। ये क्या है आपका? रड है, ये रड है। इसमें कैसा चार्ज है मान के चलो? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला रड को जैसे ही इस मेटल में हम क्या करा देते हैं, टच करा दिए, तो ये टोटल चार्ज क्या गोल्ड लिप में ट्रांसफर हो जाएगी? होगा। मतलब ये हुआ कि इस गोल्ड लिप में क्या चार्ज आ गए? प्लस चार्ज आ गए। क्लियर? अब यहां से इसको क्या कर लिया गया? रिमूव कर दिया गया। अब इस लिप में भी पॉजिटिव चार्ज और इसमें भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तब क्या ऑब्जर्व वहां पे किया गया कि ये दोनों लिप आपस से दूर भाग में है। क्यों? क्योंकि इसमें भी प्लस चार्ज है और इसमें भी प्लस चार्ज है। तो क्या ऑब्जर्व कर लिया गया कि इसके अंदर पे ये जो चार्ज हमने रखा ना, ये चार्ज ये आपस में इस तरह से चौड़ा हो गए, मतलब एक दूसरे को क्या कर दिए? वो रिपेल कर दिए। बात समझ पाई होगी? आ रहा है बात समझ में? ये रिपेल क्यों हुआ? सेम चार्ज की वजह। और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बता के क्या कि सेम चार्ज क्या करती है? रिपेल करती है, जबकि अपोजिट चार्ज क्या करती है? अट्रैक्शन करती है। अब मान के चले कि केवल तो यहां पर हम जानने के लिए बोले कि इसमें हमारा क्या चार्ज है? प्लस चार्ज है। लेकिन क्या एक्चुअल में इसमें प्लस ही चार्ज है? क्योंकि चार्ज तो हमको दिखाई नहीं देता। अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज भी आ जाए तब भी ये क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि इधर भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव हो जाए तब भी क्या होने वाला है? रिपेल होने वाला है। तो हमको तो ये चार्ज दिखाई नहीं देता। अब इसमें किस प्रकार का चार्ज है उसको जानने के लिए क्या किया गया? एक नॉन, मतलब जाना पहचाना ऐसा रड लिया गया जिसमें प्लस चार्ज हो। हमको पहले से मालूम हो कि इस रड में कैसा चार्ज हो? प्लस चार्ज हो। अब उस प्लस चार्ज को हम यहां पे क्या कर दिए? फिर से टच करा दिए ये प्लस वाला चार्ज को। अगर इसका इस तरह से फैला हुआ और फैल गया, इस तरह से और ज्यादा फैल गया, तब हम क्या जानेंगे कि ये हमारा पहले से वहां जो चार्ज मौजूद था वो प्लस ही चार्ज था। बात समझ में आ गया? अगर माइनस चार्ज रहता तो वो अट्रैक्ट कर लेता, लेकिन पहले प्लस था और इसको प्लस चार्ज मिलने से वो और रिपेल कर दिया। तो इस तरह से हम यहां पे उपस्थित चार्ज को पता लगा सकते हैं। किससे? गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप से। समझ पा रही है? दूसरी कहानी क्या हो सकती है? मान के चलिए कि इसमें आपका पहले पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां आप जिसको जान रहे हैं कि इसमें हमारा कैसा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो। जैसे आप नेगेटिव चार्ज को इसमें क्या करेंगे? टच कराएंगे, तो इसमें क्या चार्ज फ्लो करेगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहां का धीरे धीरे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या होगा? न्यूट्रल होने लगेगा। तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या होने लगेगी? घट जाएगी, घटेगी और ये इस तरह से बन जाएगी। तो आपको पता लग जाएगा ना कि उसमें हमारा कौन सा चार्ज उपस्थित है। बात समझ में आया होगा? और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। फिगर आप बना लेंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये फिगर सब दिया होगा, इसीलिए बोले हम कि पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए आप एनसीईआरटी बुक खरीदेंगे, है ना? हो गया। चार्ज को मूव करने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए, विथाउट मीडियम हमारा चार्ज नहीं ट्रांसफर हो सकता। समझ पा रही है? मतलब यह हुआ कि वैक्यूम में अगर हम चार्ज को ट्रांसफर करना चाहें तो यह पॉसिबल नहीं है। अगर चार्ज वैक्यूम में ट्रांसफर हो जाता
तो हमको इतनी लंबी लंबी तार लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैक्यूम में हम चार्ज को क्या कर देते, ट्रांसफर कर देते और विदाउट तार का पंखा को घुमाते रहते, नहीं घूमता घूमता। लेकिन चार्ज का क्या प्रॉपर्टीज है कि विदाउट मीडियम ये कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, और ये उसी मटेरियल पे ट्रांसफर हो सकता जिसका कंडक्शन बैंड एनर्जी गैपिंग क्या हो, कम हो। कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैपिंग कम हो, ये बातें हम आपको जब सेमीकंडक्टर में जाएंगे तब बताएंगे। लेकिन ये जानकारी आप याद रखेंगे कि उसी मटेरियल पे चार्ज ट्रांसफर होती है जिसका एनर्जी गैपिंग बैंड क्या होता है, कम होता है, या दोनों एक दूसरे में ओवर लैप रहते हैं। समझ में आ गया? और जिसका एनर्जी गैपिंग बैंड बहुत ज्यादा हो तो उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। और जो जिसका एनर्जी गैपिंग बैंड यानी कि तुम्हारा चार्ज बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे में क्या हो, ओवरलैप हो, उसको कंडक्टर कहा जाता है। और जिसका एनर्जी गैपिंग बैंड कम हो, जिसको इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर जाए, उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। ये तीन चीज आती है आपके पास में, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। बात समझ में आया? यहां क्या क्या आती है? इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये पूछा जाता है, लेकिन अभी हम आपको इसको इनडेप्थ नहीं बताएंगे, इसको जनरल टर्म्स में एक एक लाइन लिखेंगे। पहले आप लिख लेंगे कंडक्टर, कंडक्टर कंडक्टर का डेफिनेशन क्या होगा? द मटेरियल विच अलाउ इजीली इलेक्ट्रिक चार्ज, या करंट भी लिख सकते हैं, द मटेरियल विच इजीली अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज और करेंट नोन एज कंडक्टर। किसके नाम से जानेंगे? कंडक्टर के नाम से जानेंगे। आगे चलेंगे ना तो हमारा एनर्जी बैंड के आधार पे इसको हम समझेंगे। अभी हमको उतना डीपली नहीं जाने का आवश्यकता है, जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तब आपको हम बताएंगे वो चीज, ठीक। अगला टॉपिक आपका इंसुलेटर, लिख पाएंगे इंसुलेटर का डेफिनेशन क्या? जस्ट इसका उल्टा, इंसुलेटर जस्ट इसका उल्टा, जो अपने से इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट को अलाउ ना करता हो, डू नॉट अलाउ। द मटेरियल विच आर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज और करेंट नॉन एज इंसुलेटर। हो गया? सेमीकंडक्टर का मतलब समझ में आता है? अर्धचालक, समझिएगा मेरा पॉइंट। अर्धचालक दो तरह से हम समझेंगे, वो दो तरह क्या होती है उसको भी पहले समझ लीजिए। जब हम किसी मटेरियल पे सपोज 10 वोल्ट क्या किए, सप्लाई किए, तो उसका आउटपुट कितना हो जाए, 5 वोल्ट हो जाए, आधा हो जाए, उसको क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर कहेंगे। लेकिन आगे चल के ये सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ पा रही है? सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक, अर्ध का मतलब आधा। अब जितना उसको क्या दिए हैं, वोल्टेज दिए हैं, उसका आधा को पास करेगा। जैसे 10 वोल्ट सप्लाई किए हैं तो कितना को पास करेगा, 5 वोल्ट को। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर।
लेकिन आगे चल के इस सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। वो किस तरह से बदलेगा उसको आप ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए कि ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक। अब ये डायरेक्शन में करंट सप्लाई किए तो आपको इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ, लेकिन जब आप इधर से करंट सप्लाई करना चाहें तो इधर से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होगा। समझ पा रही है बात को? तो ये हो गया वन वे डायरेक्शन, एक ही तरफ से करंट को ट्रांसफर करेगा, दूसरा तरफ से करंट को ट्रांसफर नहीं करेगा, इसलिए भी इसको सेमी कंडक्टर कहा जाता है। बात समझ में आ रहा होगा? ये जनरली तार देखिए ना, हम लोग घर में वगैरह में यूज करते हैं। अब उसको किधरों से जोड़िए, दोनों तरफ से क्या करता है, करंट पास करता है, करता है कि नहीं करता है? लेकिन एक ऐसा हम डिवाइस मेरे पास हम लोग के पास आने वाली है जो केवल एक ही तरफ से क्या करेगा, करंट को पास करेगा, जबकि आप दूसरा तरफ से करंट को पास करना चाहें तो करंट को पास करेगा ही, फुल करंट को पास करेगा लेकिन एक ही तरफ से, इसलिए भी उसको क्या कहा जाता है, सेमी कंडक्टर कहा जाता है। बात समझ में आ गया? हम उसको आगे चल के क्या पढ़ेंगे, आगे इसको जानेंगे। थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं चार्ज की, तो यहां पे आपने देखा इलेक्ट्रॉन्स के पास में दो प्रॉपर्टीज आ गई। कौन कौन सा प्रॉपर्टीज आ गई कि इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज भी उपस्थित है और मास भी उपस्थित है, दो प्रॉपर्टीज लिख लीजिएगा यहां पे। इलेक्ट्रॉन्स है टू प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन्स के पास में कौन कौन सा प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन के पास में दो प्रॉपर्टीज है ना, दो गुण है, कौन कौन सा गुण है? पहला गुण है इलेक्ट्रॉन्स में क्या है उपस्थित है, आपका चार्ज उपस्थित है। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन में क्या है, मास भी है। हो गया? घर में कभी आप लोग स्विच ऑन ऑफ किए हैं? यस सर। तो वहां पे कुछ चिंगारी जैसा दिखती है, ऐसा एक समय आता है, ऐसा सिचुएशन बनती है जिस सिचुएशन के कारण वहां पे आपको फ्लेक्चुएस दिखाई देता है, चिंगारी जैसा निकलती हुई देखी होगी जब स्विच को ऑन करती है या ऑफ करती है। देखिए या नहीं देखी? नहीं देखी? जब कपड़ा पहनती होगी तुम लोग तब भी खोलते या पहनते समय देखी होगी चाट चीट करके आवाज आता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लिंग के नाम से जानते हैं, क्लिंग लिख लीजिए वहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लिंग। जिसको हिंदी में अगर बोलना चाहे ना, चिपकना बोल सकते हैं, चिपकना। यही तो होता है आपका कपड़ा के साथ में, चिपक जाता है। अब ये क्यों होता है उसको भी समझेगी। हमने क्या कहा कि यूनिवर्स में जितना भी हमारा बॉडी है सब में क्या उपस्थित है, चार्ज उपस्थित है, लेकिन उसका नेट चार्ज क्या है, जीरो है। चार्ज सब में उपस्थित है लेकिन उसका नेट चार्ज जीरो है। अब हम लोग का बॉडी है तो हम लोग का बॉडी तो बॉडी है, हम लोग का बॉडी में चार्ज नहीं है, है। आप कपड़ा पहन रहे हैं उसमें चार्ज नहीं है, है। तो यहाँ पे दो बॉडी मिल रही है, कौन कौन, एक हम लोग का शरीर और दूसरा कपड़ा। अगर दोनों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाए, घर्षण उत्पन्न हो जाए, रबिंग हो जाए, घर्षण मतलब समझती है ना, कपड़ा पहनते तो रगड़ाता है कि नहीं रगड़ाता है, कंबल को ढका के सोती है तो कैसे चराट चिरिट का आवाज निकलता है, देखिए चिंगारी। क्यों? क्योंकि कंबल भी एक बॉडी है और हम लोग का बॉडी तक बॉडी है, दो बॉडी के बीच में क्या होता है, घर्षण। अब जब घर्षण होती है तो वहां पे क्या क्रिएट होता है, चार्ज क्रिएट होता है। अब जब चार्ज क्रिएट होता है तो वो दोनों चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को नलीफाई करने का कोशिश करता है, क्योंकि उसको न्यूट्रल में रहना अच्छा लगता है, तो जिधर का चार्ज ज्यादा है वो उधर जाता है,
जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो पॉजिटिव को आता है, इसलिए दोनों जब आपस में क्या होते हैं कोलाइड होते हैं तो वहां से क्या निकलती है चिंगारी निकलती है, और वहां पे चिंगारी निकलने के बाद में क्या हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है, फिर आपका चिंगारी नहीं निकलेगा। बात समझ में आया यहाँ? नहीं आया समझ में? आया। बादल भी तो यही है, जब हवाएं चलती है ऊपर में आपका क्या बोलेंगे उसको बादल, बारिश होता है ना, तो क्या होता है बहुत सारे बादल एक जगह मिलते हैं, तो बादल बादल क्या होते हैं एक जगह से घर्षण में आते हैं, और घर्षण में जब आते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं चार्ज, चार्ज क्रिएट होता है। अब चार्ज दोनों क्रिएट हो तो दोनों में अलग अलग चार्ज, जब वो जैसे कॉन्टेक्ट में आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे वो न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करेंगे, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स की ओर ट्रांसफर होंगे और जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए वो पॉजिटिव की ओर ट्रांसफर होंगे, तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे कोलाइड करेंगे और न्यूट्रल होने का कोशिश करेंगे, और कोलाइड करेंगे तो क्या निकलेगा चमक निकलेगा, वही चमक तो हमको बिजली कहते हैं। समझ पाई? और उस तरह से वो क्या हो जाता है न्यूट्रलाइज हो जाता है। समझ में आ गया? कुर्सी में देखे कि गांव देहात में भी प्लास्टिक का कुर्सी में बैठाता है उसको जोर जोर से पीटता है कुर्सी को, हाँ, तो उससे क्या होता है चार्ज उत्पन्न होता है, और वहां पे बैठा हुआ आदमी को तुम ऐसा छू के देखना झटका मारेगा। समझ पा रही है? क्यों झटका मारेगा? क्योंकि तुम उसको पीटी है ना कुर्सी को, तो कुर्सी को पीटी है तो वहां का इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो गया, उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ गई, और उसके टच में आने से उस आदमी में भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब जब आप उसको छुएंगे तो आप में पॉजिटिव चार्ज क्या है कम है, तो कोई भी चीज किधर से किधर फ्लो होती है हाई टू लो, हाई टू लो, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आपके पास में कम, जब आप उसको छुएगा तो वो चार्ज किधर जाएगा आपके तरफ मारेगा झटका इसीलिए, और क्या हो जाएगा नलीफाई हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। समझ में आया? डाउट है? यही है चार्ज, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग कहा जाता है, जिसको चिपकना कहते हैं, चिपक जाता है वो, देखी होगी शर्ट पहनते समय चार्ज के कारण बॉडी में चिपक जाता है, चिंगारी भी निकलती है सोते समय ठंडा के दिन में, हाँ छोटे छोटे थे तो डर भी लगता था, नहीं डरी है देख भी नहीं किए तो सुई देखी है नहीं डरती थी, हाँ डरती थी कि नहीं लगता था डर, कहाँ से निकल रहा है ऐसा कुछ सोचती थी। चलिए इसी के बाद में एक और दूसरा टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन, ये क्या था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, जिसमें हमारा क्या होता था चिपकना, चार्ज एक दूसरे को नलीफाई करने के लिए चिपकते थे चिंगारी निकलती थी। दूसरा क्या है हमारा इलेक्ट्रोफिकेशन, इलेक्ट्रोफिकेशन का मतलब होता है किसी बॉडी को चार्ज करना, है ना, इलेक्ट्रोफिकेशन का मतलब क्या हुआ किसी बॉडी को चार्ज करना। चार्ज कैसे करते हैं एक मेथड तो आपने सीख लिया रगड़ने से, रगड़ने से उस बॉडी में क्या आती है चार्ज आती है, और वो चार्ज किसी को एक बार अट्रैक्ट कर ले तो वो नलीफाई हो जाती है, फिर उसमें चार्ज आपका स्टोर नहीं होता। समझ में आ रहा है? ये चीज भी आप लिख लीजिएगा वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज करना, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या है चार्ज, चार्जिंग टू बॉडी, बॉडी को चार्ज करना आपका क्या कहलाता है इलेक्ट्रिफिकेशन कहलाता है। हो गया? एक और नया वर्ड आएगा डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या चार्ज करना, उसके बाद में क्या डिस्चार्ज, और उसको दोबारा टच करा दीजिए डिस्चार्ज हो गया। नहीं समझ में आया? चार्ज और डिस्चार्ज का मतलब समझ में आता है?
आपने ये दोनों बॉडी को रगड़ा इस तरह से, तो इस दोनों बॉडी में क्या आया? चार्ज। और इस दोनों बॉडी को फिर से सटा दीजिए, क्या हो गया? डिस्चार्ज। होगा कि नहीं? होगा। वही वाला कहानी, कुर्सी में बैठा के कुर्सी को पीटिए जोर से, उसमें बैठा हुआ आदमी में क्या आ जाएगा? चार्ज। उसको और दोबारा आप जाके छू दीजिए, डिस्चार्ज। फिर और दोबारा छूएगा तो आपको फिर करंट नहीं लगेगा, आपको एक ही बार लगेगा, एक ही बार में क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। समझ में आ गया? तो डिस्चार्ज का मतलब क्या है? अगेन टच। लिख लो, दोबारा उसको क्या करा दे? टच करा दे। और इसी के दौरान चिंगारी निकलती है, जब आप किसी को डिस्चार्ज करते हैं तब, है ना। और यही काम घर में भी होता है कि जब आप स्विच को ऑफ किए हैं या ऑन किए हैं, तो वहां एक प्रकार का क्या हो रहा है? करंट फ्लो है। जब आप उसको काटेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। और डिस्चार्ज होगा तो क्या निकलेगा वहां से? चिंगारी निकलेगी। तभी तो वहां पे आप छुएंगे तब आपको झटका नहीं लगेगा। समझ पा रही है? डाउट है कहीं पे? यहां पे थोड़ी सी हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी का मतलब समझ में आता है? इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी बताता है कि किसी बॉडी का नेट चार्ज कितना है। इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी क्या बताता है? किसी बॉडी का नेट चार्ज कितना है। सिर्फ हम जानकारी के लिए बता देते हैं यहां पर, ठीक। अब समझिएगा, इसको हम कल इनडेप्थ पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी हम यहां पे आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए हमने क्या उठाया यहां पे? हीलियम। हीलियम की परमाणु संख्या बताइए? दो। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज होती है न्यूक्लियस में, और ये फर्स्ट ऑर्बिट में आपका दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, है कि नहीं है? तो इसका ये न्यूक्लियस पार्ट में दो आपका प्रोटॉन भी होगा, होगा कि नहीं होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में कैसा चार्ज? प्रोटॉन में कैसा चार्ज? यहाँ पे आपका कितना? दो इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें कैसी चार्ज है? माइनस चार्ज। प्लस यहाँ पे दो आपका क्या है? E प्लस का मतलब कंफ्यूज में तो नहीं पड़ी, बता चुके अभी। E प्लस का मतलब प्रोटॉन। तो नेट चार्ज कितना? जीरो। नहीं है। ये माइनस और ये प्लस। नेट चार्ज कितना? जीरो। तो इसीलिए किसी भी बॉडी का नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। क्लियर? यस। थोड़ी सी मान के चलो इसको हम रगड़ना शुरू किए, क्या किए? रगड़ना शुरू किए। रगड़ना शुरू किए तो मान के चलिए यहाँ पे चार्ज हमारा कितना हो गया? फाइव हो गया। तो चार्ज प्लस तो पांच हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ज्यों का त्यों है कि नहीं है? तो इस केस पे आपका इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा? टू इलेक्ट्रॉन प्लस फाइव प्रोटॉन इक्वल टू थ्री प्रोटॉन, इसका नेट चार्ज माइनस। इसका नेट चार्ज इस केस में क्या आ जाएगा? थ्री। कैसे थ्री आया? समझ पाई? क्योंकि हमने इसको क्या किया? एक्स्ट्रा अलग से चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया? पॉजिटिव थ्री चार्ज दिया। तो इसका नेट चार्ज कितना आ गया? पॉजिटिव थ्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन के साथ में मिलके क्या हो गया? नलिफाई हो गया, उसका कोई चार्ज नहीं। तो कितना टोटल चार्ज बचा? तीन। तो अभी इस बॉडी का नेट चार्ज कितना हो गया आपका? थ्री। चार्ज आपका प्लस में भी हो सकता है और चार्ज आपका माइनस में भी हो सकता है। समझ पा रही है? दोनों में एक ही गुण है, चार्ज भी सेम है, लेकिन एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। आगे हम जब हम इसका बात करेंगे ना, तो दुनिया में जितना भी चीज बनी है, समझ पा रही है, उसका दूसरा रूप उपस्थित है।
ठीक। चलिए एक बार थोड़ा सा हम इसको क्विक रिविजन करते हैं, क्या सीखे आज की क्लास में। हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक चैप्टर के नाम क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हमने मैग्नेटिज्म में को तीन भाग में बांटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तीनों आपका चार्ज का ही भाई बंधु है, ये चीज हमने जाना ना। जब चार्ज हमारा क्या हो, रेस्ट में हो, चार्ज मूव ना कर रहा हो, तब उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। जब चार्ज में कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड आ जाए तो उसको मैग्नेटिज्म कहा जाता है, और उसी चार्ज में कुछ एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन क्रिएट हो जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। कितनी इजी है, नहीं ना भूलेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको कहते हैं, एक वर्ड में, जब चार्ज हमारा क्या हो, रेस्ट में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक लाइन में आप लिख लीजिएगा, तीनों चीज यहां पे समझ में आ गया होगा। आगे हमने क्या सीखा, अंबर के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी शब्द कहां से आया, ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से, जिसका मीनिंग क्या होता है, अंबर। और इस अंबर को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया, और उन्होंने पता लगाया कि चार्ज हमारा कितनी प्रकार की होती है कि नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि जब दो सेम चार्ज आपस में लाते हैं तो वो रिपेल करती है, जबकि अनलाइक चार्ज, अपोजिट चार्ज को सामने लाते हैं तो वो अट्रैक्ट करती है। मतलब एक फिक्स क्या होता है, इसका फील्ड होता है, अगर उस फील्ड से बाहर लेके जाएंगे तो वो काम नहीं करने वाली है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो सकता। ये बातें हम सीख चुके। हमने यहां ये भी सीखा कि चार्ज का, चार्ज में दो प्रॉपर्टीज होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स में दो प्रॉपर्टीज होती है, चार्ज और मास की। इलेक्ट्रॉन्स का मास को भी हमने देखा और प्रोटॉन्स की मास को भी देखा, और इसमें हम ये भी पता किए कि इलेक्ट्रॉन्स की मास से 1837 गुना ज्यादा हैवियर किसका मास है, प्रोटॉन्स का मास है। इसीलिए किसी बॉडी को जब हम चार्ज करते हैं तो क्या ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है, चार्ज कैरियर या करेंट कैरियर कहा जाता है। ये बातें आप सीख चुके हैं। ये क्वेश्चन भी पूछती है, याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज कैरियर क्यों कहा जाता है। बस और साइकिल वाला, ट्रक वाला एग्जांपल याद करना, याद आ रहा है कुछ वो एग्जांपल, बल, दोनों में समान बल लगाएंगे तो जल्दी कौन जाएगा, साइकिल। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज कैरियर कहा जाता है। क्लियर। हमने यहां पे और एक चीज सीखा कि चार्ज को हम पहचानने का तरीका, कि किसी बॉडी पे चार्ज आपका प्लस है या माइनस है, किसकी हेल्प से पहचान कर सकते हैं, बॉडी इलेक्ट्रोस्कोप से। जब किसी बॉडी को हम क्या करते हैं, रबिंग करके वहां पे लाते हैं, तो उसका फेनोमेनन, जो घटनाएं घटती है उसके आधार पे हम पता लगाते हैं कि वहां पे चार्ज आपका प्लस है या माइनस है, ठीक। और ये छोटी छोटी बातें भी हमने सीखा इंसुलेटर कंडक्टर के बारे में, और ये भी हम जाने कि किसको इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं, किसको डिस्चार्जिंग कहते हैं, है कि नहीं। और एक हमने सीखा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीन के बारे में, जिसको चिपकना कहते हैं, ठीक। तो फिजिक्स को यहीं तक आज रखते हैं, आप इसको बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा। चलिए फिजिक्स को यहीं पे आज समाप्त करते हैं।